ये रीसेंट अनुभूति थी इस वजह से, और आप में से भी बहुतों के साथ बहुत कुछ हुआ होगा, ब्राह्मणों के साथ भी कोविड के टाइम पर बहुत कुछ हुआ ही है, तो हमारे साथ भी सेकेंड वेव में हम सबको कोविड हुआ, और उसमें खास मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, घर पे ही उनकी ऑक्सीजन 63 पहुंच गई थी आपको। लेकिन मैं बताऊं, बाबा ने एक तो ये मैं कहूंगी, ये जो हमारी 12 साल की जर्नी रही बाबा के साथ, और जो डिफरेंट संबंध हर समय जो बाबा के साथ, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, वो जो अनुभव रहे, उसका फायदा हमें ये हुआ कि एक पल भी, जब तक वो घर में रहे, 10 दिन तो घर में रहे, एक पल भी मुझे नेगेटिविटी नहीं आई कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ रही है, या उनको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, या इसका क्या इफेक्ट होगा। उसका कारण क्या था मैं बताती हूँ, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी ज्यादा, क्योंकि मैं सेवा में और घर के काम में इतना बिजी रहती थी कि मेरे को ज्यादा पता ही नहीं था। जो बाबा कहते हैं ना, संसार समाचार, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर इतने लोग मर रहे हैं, या इतनी शॉर्टेज चल रही है, या इतनी प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत सुनते थे तो सोचते थे ठीक है, सकाश दो सबको, सकाश दो, हमारे साथ थोड़ी कुछ हो रहा है, सकाश दो सबको। मतलब ये नहीं था कि हम अपने लिए इंतजाम करें कि अपने लिए क्या करना है हमको, ये तो बस विश्व की आत्माओं को सकाश देने का टाइम है, हम ब्राह्मणों का काम है वो करो, तो हम वो ही करते थे। और फिर अपने को जब कोविड हुआ, तब भी कोई संकल्प नहीं आया, तब भी यही आया कि ये इसलिए आया है, इतनों की क्लासेस लेते हो, अनुभव सुनाना है ना, तो पता तो होना चाहिए ना कोविड में क्या होता है। ठीक है, अनुभव ही बनाने के लिए, और एक पेपर पास हो जाएगा और क्या, कोई संकल्प नहीं आया। यहाँ तक कि जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, 7:30 बजे हम लेकर गए शाम को, 6:30 बजे मैंने मुरली पूरी करी है यहाँ पर। मेरे को खुद भी कोविड था, तो भी सेवा में क्लास चल रही थी उस टाइम, क्योंकि बहनों को भी सेंटर पे हो रहा था, मेरे पास कोई और रिसोर्स भी नहीं था मैं जिससे करा सकूं, और एक दिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो क्लास कराई। कमरे में जाके देखा, हस्बैंड की तबीयत काफी खराब हो रही थी, फिर चेक किया तो इतना डाउन। एनीवे, जब लेकर गए वहां पर हॉस्पिटल गए, आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, मुझे एक बार संकल्प नहीं आया हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है, आया ही नहीं। यही लगा अब इसमें भी कुछ सेवा होगी। और मैं आपको बताऊं, वहां पहुंचे, हस्बैंड को तो डॉक्टर्स ने देखना शुरू किया, और मेरा ध्यान कहाँ था, क्योंकि वहां डेथ होके चुकी थी, और इतनी बुरी तरह मातम मनाया जा रहा था, दीवारों से सिर पीट पीट के, पीट पीट के, उनके 5 बच्चे थे और पांचों बच्चों ने बुरा हाल कर रखा था, और मेरी स्थिति नहीं बिगड़ी। मैंने कहा, ओ बाबा, आपने मुझे इसलिए भेजा है यहाँ हॉस्पिटल में कि इन सबकी सेवा करनी है, इन सबको सकाश देना है। आया ही नहीं कि अपने साथ भी कुछ हो सकता है, या ये सब चीजें, मतलब देखकर कोई डर नहीं लगा, और यही लगा कि मुझे बैठ के बस इनको सकाश देना है। इसीलिए निमित्त बनाया है मेरे हस्बैंड को कि वो अंदर देंगे आईसीयू के अंदर, मतलब वो वार्ड में देंगे, मैं यहां से सकाश दूंगी। बाकी डिटेल्स तो बाद में पता लगे कि हाउ सीरियस ही वॉज एट दैट टाइम। तो भी थ्रू आउट द जर्नी मैं कहती हूँ मेरे अंदर ढोल बजता रहा, क्योंकि मैंने पहले दिन जब हॉस्पिटल में देकर सौंप आई बाबा को, मुझे तो था मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से, डॉक्टर्स ने कहा आपको तो घर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रुक सकती आप। अच्छा, रात को 1 बजे वापस आई कैसे, बाबा को आते ही लेटर लिखा, बाबा उस देहधारी से मेरा कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ आपका बच्चा है, मैं आपकी बच्ची हूँ, पहले भी ये घर आपका था, आज भी आपका है, मैं आपकी हूँ, वो आपका है। ड्रामा में सीन क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन किसी भी सीन में ना वो फेल हो ना मैं फेल हूं, बस एक ही संकल्प बाबा को ये दिया। और मैं जैसे, मैंने कहा बाबा मैं अपनी बुद्धि अब हटा रही हूं वहां से, हॉस्पिटल में जितनी आत्माएं हैं, जितनी हॉस्पिटल्स में आत्माएं हैं, बस सबके लिए सकाश, कभी अलग से उस आत्मा को नहीं दिया। बाबा के बच्चे सारे हैं उसमें, उसको भी जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, इतनी बाबा की मदद मिली, इतनी कमाल की मदद मिली मेरे को हर चीज में। जब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मुझे इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स आई वॉज इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सप्लाई वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम लोगों को ये था कि सब घबरा गए थे कैसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, मुझे मिली, जबकि कोई हमारी जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। ये कहते एक बल एक भरोसा, मुझे बाबा ने दिखाया हर चीज। प्लाज्मा जिसके लिए 24 घंटे लग रहे थे, हमें आधे घंटे में प्लाज्मा मिला। चाहे सिचुएशन मेरे हस्बैंड की डिट्योरेट होती गई, एक हफ्ता बहुत खराब होती चली गई, यहाँ तक कि वेंटिलेटर पे ले जाने की भी नौबत आ गई।
तो भी डॉक्टर ने जब मुझे फोन किया कि उनको वेंटिलेटर पे ले जा रहे हैं, आई वॉज साइलेंट। तो आप समझते हो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आई वॉज लाइक, जैसे कहते हैं ना, मुख का मौन और मन का मौन, उस टाइम बस ये स्थिति थी। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मैं अपने मन में कहा मुझे जानना ही नहीं है, इस डॉक्टर को समझ नहीं है कुछ भी, क्या बोल रहा है इसको पता ही नहीं है। तो जस्ट जैसे कहते हैं ना, सुनते नहीं सुनना, अंदर घुसाना ही नहीं क्या हो रहा है। और ये स्टेज मुझे नहीं पता बाबा ने कैसे दी, क्या किया, बट मैंने ये देखा। डॉक्टर ने मुझे बाद में भी, जब मैं मिलने गई अगले दिन, तब भी कहा आपको मालूम है क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब मुझे नहीं जानना, सब अच्छा ही होगा, जो का सब अच्छा ही होगा। और ये बात डॉक्टर को इतनी बात लगी, बाद में तो खैर वो ठीक हुए। मेरे से कई बीकेज ने भी कहा कि अदिति बहन बाबा से लड़ो, कि बाबा ऐसा नहीं कर सकता, आप इतनी सेवा करते हो, बाबा ऐसा नहीं कर सकता। उनका बाबा थोड़ी ऐसा कर रहा है, बाबा थोड़ी ऐसा कर रहा है, ये तो हमारे कार्मिक अकाउंट है जो सामने आ रहे हैं, लेकिन बाबा जो कर रहा है वो तो मैं कितने जन्मों में भी उसका कर्जा नहीं उतार सकती, जो बाबा कर रहा है। जो बाबा मुझे, मेरे अंदर ना कि गीत बजता रहता था, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। हर सिचुएशन ऐसी आती थी, हर फोन कुछ ऐसी न्यूज लाता था, हर बात कुछ ऐसी चीज लाती थी, और उसी टाइम बाबा की मदद, उसी टाइम बाबा की मदद। तो मुझे ऐसा लगता था कि माया अगर डाल डाल पे है तो मेरा बाबा पात पात पे है, हर समय महसूस होता था। सिर्फ एक बार लड़ी थी बाबा से, किस बात पे? जब डॉक्टर्स का आ गया कि घर का खाना नहीं देंगे, और हम इसीलिए इतना परहेज करते थे, बीमारी से नहीं डरते थे, हमारे परहेज टूट जाएंगे, हॉस्पिटल का खाना पड़ेगा इसलिए बीमार नहीं होना हमको, तो इसलिए ध्यान रखते थे। मैंने कहा, उस दिन मैं लड़ी बाबा से, मैंने कहा बाबा अगर आपके बच्चे ने, जिसने आज तक बाहर की आइसक्रीम नहीं खाता, वो बिस्किट नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, अगर उस बच्चे को हॉस्पिटल का खाना पड़ा ना, तो ये अब आपके ऊपर है। उस बच्चे ने कोई कमी नहीं करी, और आप मानना उसी टाइम डॉक्टर का फोन आया कि आप घर का खाना ला सकते हैं। नहीं खाया उन्होंने, चाहे उनके इंजेक्शन नहीं दिए गए, कि दवाइयां नहीं दी गई, रात को छोड़ के आई थी, सुबह 10 बजे तक उस आत्मा ने नहीं खाया, घर का आएगा तभी खाऊंगा। मैं भी बाबा से बस उसी बात के लिए लड़ी, एक बात के लिए, और बाबा ने वो भी कैसे कैसे, और उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स आई बाबा ने सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए। तो मतलब कैसे उस पिता को हम लड़ सकते हैं, हम कभी उससे कुछ मांग सकते हैं, जिसको पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग रिलेशनशिप विद बाबा। बाबा ने पिता ही नहीं, डॉक्टर का संबंध, भाई का संबंध, बेटे का संबंध, सर्जन का संबंध, पिता का संबंध, साजन का संबंध, मुझे सारे संबंध अनुभव कराए उन 2 महीनों के अंदर। क्योंकि बहुत लंबा टाइम, 1 महीना आईसीयू में रहे, फिर 1 महीना ऑक्सीजन पे रहे, और वो ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब दैट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, बट मुझे चैलेंज नहीं अनुभव होने दिया, मुझे हर पल यही लगा बाबा मुझे अनुभवी बना रहा है, बस अनुभवी बना रहा है। एंड आई वॉज रेडी फॉर एवरी सीन, क्या होगा ये तो नहीं पता, बस ये था बाबा फेल नहीं हूं, शक्ति हमेशा आपकी मेरे अंदर समाई रहे, बस ऐसे। दैट वॉज द एक्सपीरियंस आई वॉन्टेड टू शेयर, कि मुझे बड़ी खुशी हुई। कई कहते हैं उस पल को याद मत करो, मैं कहती हूँ मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि वो हर पल विजय का पल था, वो हर पल बाबा की शक्ति का पल था, वो हर पल बाबा की मदद का पल था। इसलिए नहीं कि जान बच गई, इसलिए कि मैं उस समय वो महसूस करती थी। बाद में जरूर रियलाइजेशन हुई, ओके इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, और बाबा ने मुझे इतना सेफ रखा, दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं ये कहूंगी कि बाबा जादूगर है।